गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? फटाफट बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, थम्स अप दे दो। सब सेट है? ऑल क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट शुरुआत करते हैं। पहले अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, फिर आज एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना है डेली, जो क्वेश्चन का टारगेट है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अनअकैडमी पे देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे आईएएस के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यूज का अनुभव, मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और अपना यूजीसी नेट भी मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। इसके अलावा मेरा वैकल्पिक विषय रहा है हिस्ट्री, चाहे आईएएस का मेंस हो या फिर पीसीएस का मेंस हो। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये नहीं एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अनअकैडमी _ ललिता _ कुमारी, अनअकैडमी _ ललिता _ कुमारी, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस, चाहे वो स्पेशल पे हो, यूट्यूब पे हो या प्लस पे हो, हर क्लास का लिंक, टाइमिंग सब मिल जाएगा। पीडीएफ सारी यहाँ मिल जाएंगी। यार आज मैं सुबह सुबह, एक स्टूडेंट का फोन आया, मैम पीडीएफ नहीं है, अब वो पता नहीं कैसे डिलीट हुई है। मैं जल्द से जल्द जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, ठीक है, मैं सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा वो पीडीएफ डिलीट कैसे हो गई, शुरू से लेके अब तक की। वहां पे मात्र आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी अभी, लेकिन मैं 1-2 दिन के अंदर ही सारी जो पुरानी पीडीएफ थी सारी इस टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आप वहां से उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी _ललिता_कुमारी, और जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये मेरा प्रोफाइल लिंक है अनअकैडमी ऐप का, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। यदि किसी भी एडुकेटर का जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। दोस्तों 30 जून लास्ट डेट है इस ऑफर की। 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आपको 80 टेस्ट फ्री मिलेंगे, जिसमें 50 टेस्ट पीटी के होंगे और 30 टेस्ट मेंस के होंगे। तो जिसको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है 30 जून से पहले ले लें। 4 ऑफर आपको एक साथ मिल रहे हैं, 1 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन पे ये 80 टेस्ट बिल्कुल फ्री। इसके अलावा 25% यदि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जीएस प्लस ऑप्शनल, तो आपकी टोटल फीस पे 25% डिस्काउंट होगा। प्लस यदि आप मेरा रेफरल कोड ललिता वाईटी यूज करते हैं, ललिता वाईटी यूज करते हैं, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, इसको समझिए। 1 साल का यदि आप प्लान लेते हो ये कॉम्बो या कोई भी, तो आपको 2022 के मेंस तक पढ़ने का मौका मिलेगा, और 2 साल का लेते हैं तो 2023 के, यानी 1 साल की फीस में लगभग 16-17 महीने पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ऊपर से डिस्काउंट मिल रहा है 35%, और ऊपर से 80 टेस्ट सीरीज जिसमें 50 पीटी और 30 मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। इसके अलावा ये 20 बुक्स आपको 1 साल या उसके अधिक के सब्सक्रिप्शन पे फ्री मिल रही हैं। 4 ऑफर चल रहे हैं, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो 30 जून से पहले ले लें, और यूज करना है मेरा रेफरल कोड ललिता वाईटी, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा लोन की सुविधा अनअकैडमी पे मिल रही है, आप ले सकते हैं। 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है, 6 महीने से लेके 3 साल तक प्लस सब्सक्रिप्शन पढ़ सकते हैं आप। आपसे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, तो बिल्कुल जी, ललिता वाईटी, 10% डिस्काउंट और आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल से 3 साल तक का, यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड यूज करना है आपको। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आदि की सुविधा मिलती है, लेकिन यदि आप मेरे रेफरल कोड से आते हैं तो मेरा जो मार्गदर्शन है वो भी आपको मिलता रहेगा आपके सिलेक्शन तक। यदि आप केवल ऑप्शनल
सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, 1 साल से 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट 10% कब, जब यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड LalitaYT। 30 जून से बहुत सारे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, NCERT बैचेस। तो यदि आप मेरे रेफरल कोड से आते हैं तो केवल मेरी क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एक एडुकेटर, हर एक बैच तक आपका अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आपकी पहुंच होगी, आप कहीं पे भी जाके क्लासेस ले सकते हैं और LalitaYT के साथ अनलॉक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को कॉम्बैट का आयोजन हर संडे को होता ही है, यहाँ पे भी आपको पार्टिसिपेट करना ही होता है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री होता है एनरोल करना, और एनरोल करने से पहले भी आपको मेरे रेफरल कोड LalitaYT कोड का प्रयोग करना है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन समझ में आ रहा है, कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना वो रामजपाल, हाँ मिला आपका क्वेश्चन दोस्त, मैंने देखा आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखोगे तो, अभी तैयारी कर लोगे तो मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा लगता है जब क्वेश्चन लिख के स्टूडेंट्स आपको भेजते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सबके क्वेश्चन चेक किए हैं, लेकिन मुझे ये पता है किस किस ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, तो उससे लगता है ना कि हाँ आप सही दिशा में पढ़वा रहे हो बच्चों को। चलो वित्तीय संबंध हम एक बार फिर से देखेंगे, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये जो मैंने कल पढ़ाया था वो फटाफट आपको बता देती हूँ। भारत के संविधान के भाग 12 में 268 से 293 आर्टिकल 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध कैसे होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कराधान शक्तियों के आवंटन में मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरीके के आधार होते हैं, एक संघ सूची, भाई संघ सूची पे कौन, संघ सूची पे जो विषय है उन पे कर निर्धारण कौन करेगा, सीधी सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं हवा में क्वेश्चन पूछ लिया है, सिंपल सी बात है, जो भी संघ सूची के विषय होंगे दोस्तों उस पे संसद कर निर्धारण करने का विशेष अधिकार है, उसमें केंद्र को विशेष अधिकार है। जो राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषयों पे कर निर्धारण का विशेष अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा, और समवर्ती सूची से संबंधित कोई विशिष्ट प्रविष्टियां नहीं है, मतलब समवर्ती सूची के जो विषय हैं हमारे पास उसमें कर से संबंधित कोई प्रविष्टियां नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद आया, वो अपवाद हमको याद रखना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछ लेगा 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, तो GST से जुड़ा है जी, वही बोल रहा है, इस 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बना के अपवाद प्रस्तुत किया है जो कि समवर्ती सूची के विषय में शामिल होगा। इस संशोधन ने संसद और राज्य विधायिकाओं को वस्तु और सेवा कर के प्रशासन के लिए दोनों को, भाई वस्तु और सेवा कर से संबंधित जो प्रशासन होगा करों का, उसको सेंटर को भी अधिकार दिए हैं और राज्यों को भी अधिकार दिए हैं। यानी अब हमने क्या समझा कि भाई संघ सूची पे संसद, राज्य सूची पे राज्य, समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं थी पहले, 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST आया और GST के माध्यम से केंद्र और राज्यों को कर प्रशासन का अधिकार दे दिया। मुझे पता है एम क्रैकर, मैं बस एक बार, मुझे पता है, मुझे आज सुबह ही एक स्टूडेंट है आयुष, उन्होंने मुझे सूचना दी कि मैम कैसे PDF, सुबह सुबह उनका कॉल आया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा यार, PDF सारी उड़ चुकी हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, घबराने की जरूरत नहीं है, A to Z PDF आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में, जितनी भी पुरानी PDF है सब 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे भी नहीं पता कैसे उड़ी TH, मुझे भी नहीं पता कैसे उड़ी, मैंने तो मतलब कुछ किया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा। सारी PDF जितनी भी क्लासेस मेरी हुई हैं आप लोगों को सारी PDF 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया समवर्ती तक किसी भी बच्चे को, अब आते हैं टॉपिक पे, फटाफट बता दो, किसी को कितनी इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब, वेरी गुड, ठीक है। मनु बोल रही है मैम हमें लगा आपने हमें सबक सिखाने, किस चीज का सबक यार, आप तो दोस्त हो मेरे,
आप लोगों को कैसा सबक, आप लोगों के सिलेक्शन से तो मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और मैं बार बार बोलती हूँ, जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हुआ वो मेरी सफलता होगी, आप लोगों के साथ ही वो मेरी भी सफलता होगी। तो आप लोगों को कैसा सबक यार, कैसी बातें करते हो आप, हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अवशिष्ट शक्तियां हम पढ़ते हैं, तो भाई हमें पता है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, तो संसद के पास होती हैं। तो भाई यदि कभी अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से कर निर्धारण की जरूरत पड़ गई, मतलब अवशिष्ट शक्तियां क्या, ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, अचानक से जरूरत पड़ गई तो फिर अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, तो भाई संसद के पास होती हैं। यहां तक मैं आप लोगों को बिल्कुल बता चुकी हूँ, ये भले ही आप एग्जाम्पल याद रखें नहीं रखें, जैसे उपहार कर है, समृद्धि कर है, इसको संसद ने समय समय पे अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से लगाया है, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, फिर बता रही हूँ, कल वाली क्लास को एक बार मैं रिपीट करवाऊंगी, उसमें एक दो डिफॉल्ट थे जो मुझे लगे बाद में। देखो, संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। मतलब क्या कह रहा है, कर की उगाही कौन करेगा, उसको इकट्ठा कौन करेगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, ये स्पष्ट तौर पर हमारे संविधान में लिखा है। इसी प्रकार की कर उगाही और एकत्रित कर की, भाई वही कर की, कर को लगाएगा कौन, कर को उगाहेगा कौन, मतलब उगाही कौन करेगा, इकट्ठा कौन करेगा और उसको बांटेगा कौन, ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है। जैसे आप आयकर इनकम टैक्स देते हैं तो ये इनकम टैक्स की उगाही और एकत्रण केंद्र करता है, लगाता है केंद्र, एकत्र करता है केंद्र, और इसकी प्राप्तियों को किस में, केंद्र में और राज्य में बांट देता है। इनकम टैक्स, ये बताओ इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, छोटी छोटी, वेरी गुड, एक दो, अरे इनडायरेक्ट कैसे हो गया सौरभ, डायरेक्ट है भाई, मान लो मेरे पे इनकम टैक्स लग रहा है, आप तो नहीं दे रहे ना, मेरे पे इनकम टैक्स लग रहा है, मैं ही दे रही हूं, तो क्या है ये प्रत्यक्ष कर है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगी, 2014 या 15 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, वो कई बच्चे गलत करके आए थे छोटी छोटी चीजों के अभाव में। तो यहां तक हमने देखा था, उसके बाद मैंने आपको बोला था, ये मैंने बस काट देना, लक्ष्मीकांत की बुक से भी, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, कौन कौन सी पाबंदियां हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना विद्वान बनने की, अगर बहुत विद्वान बनना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों तीनों स्लाइड काट देना, मिला लेना इनको, मैंने कल भी कटवा दी थी, ये सेम स्लाइड आ गई, याद आया, बस उसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, आ, 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 ये भी काट ही दो, कोई जरूरत नहीं है, एक मिनट, हाँ काटो फटाफट इसको भी, समझ गए, वित्तीय संबंध संक्षिप्त है, बस थोड़ा थोड़ा अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, यहां तक जितना मैंने पढ़ा है किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आते हैं जीएसटी पे, इस जीएसटी का क्या है भाई, इस जीएसटी का क्या रोला है, मतलब स्यापा है। देखो होता क्या था, पहले सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो प्रत्यक्ष कर से जुड़ा हुआ है या फिर अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा हुआ है, बताओ फटाफट, जो जीएसटी है, समझ के पढ़ेंगे भले ही थोड़ा टाइम लगे, ये जो जीएसटी है ये प्रत्यक्ष करों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ा हुआ है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। देखो होता क्या है, मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ आपको, प्रत्यक्ष कर का क्या मतलब है, मान लो मेरे पे लगा तो मैं ही दूंगी, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स है, निगम कर है। अब इसमें होता क्या है, जो इनकम, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं दोस्तों, इनको हम खाली पेज यार फिर नहीं रखा, कोई बात नहीं यहीं पे समझा देती हूँ, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं ना दोस्तों, इनको हम क्या मानते हैं, इनको हम मानते हैं प्रगतिशील टैक्स, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील क्यों कहते हैं, कोई बताएगा मुझे, भाई सीधी सी बात है, अमीर आदमी जिसकी इनकम ज्यादा है उस पे ज्यादा टैक्स लग रहा है,
जिसकी इनकम कम है उस पे कम टैक्स लग रहा है भाई, जो 1 करोड़ रुपए कमाता है हर महीने उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा, जो 5 लाख कमाता है या 7 लाख कमाता है उस पे कम लगेगा, और जो बिल्कुल ही बेचारा कम कमाता है उस पे उसको टैक्स ही नहीं देना, समझ रहे हो ना। तो जितने भी प्रत्यक्ष कर होते हैं वो प्रगतिशील स्वरूप के होते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब मुद्दा क्या आया ये अप्रत्यक्ष करों का, अप्रत्यक्ष कर स्वभाव में अप्रगतिशील माने जाते हैं, अप्रगतिशील या हम बोल सकते हैं प्रगतिहीन माने जाते हैं। क्यों? मान लो आप पार्ले जी का बिस्किट लेने गए, पार्ले जी, इस पे आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। आप छोड़ दो, मान लो मैं कहूं एक रिक्शा वाला व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब है, जो दिहाड़ी से काम चलाता है बेचारा, 300-400 रुपए रोज के कमाता है, काम चलाता है, वो ये पार्ले जी का बिस्किट लेने जाता है तो उसे भी सेम टैक्स देना पड़ेगा। और एक दिन मुकेश अंबानी को लगा कि भाई आज देखते हैं पार्ले जी का टेस्ट कैसा है, हालांकि मुकेश अंबानी पार्ले जी नहीं खाएंगे, उदाहरण के तौर पे समझ लो। अब मुकेश अंबानी को लगा कि पार्ले जी हम भी तो खा के देखें भाई, ये इतना फेमस क्यों है ये बिस्किट। मुकेश अंबानी जी ने भी खरीदा पार्ले जी का बिस्किट, तो उसे भी सेम टैक्स देना है। मान लो इस रिक्शे वाले को भी 1 रुपया देना पड़ गया टैक्स का, और मुकेश अंबानी को भी 1 रुपया देना पड़ गया, समझ रहे हो। तो ये प्रगतिहीन कैसे हुआ? क्योंकि एक गरीब आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना एक अमीर आदमी को देना पड़ रहा है। मोटा मोटा समझ में आया कि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं, अप्रत्यक्ष कर प्रगतिहीन होते हैं, इतनी बात समझ में आई। आगे मैं टॉपिक पे आ रही हूँ, आगे मैं बताऊंगी इस जीएसटी को लाने का उद्देश्य क्या था इस जीएसटी, ठीक है। अरे भाई मतलब कह रहे हैं मैं मुकेश अंबानी और पार्ले जी बिस्किट इम्पॉसिबल। अरे हो सकता है किसी दिन इंसान का दिमाग करे कि यार आज पार्ले जी खाया जाए, ठीक है इतना फेमस है पार्ले जी, इतने सालों से हमारे बचपन से खाते आ रहे हैं, तो लगे तो समझो ना, मतलब मुद्दा समझ गए क्या, ये बताओ समझ गए। अब ये जीएसटी का क्या सीन है, पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई जीएसटी लागू करने की मंशा यही थी कि जो भारी भरकम कर व्यवस्था है, कौन सी कर व्यवस्था, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था। प्रत्यक्ष से जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष करों से। तो भाई जो भारी भरकम अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी उसकी जटिलता को सुगम बनाया जाए, भाई इतने मैं बताऊंगी कैसी जटिलताएं थी जीएसटी को लेके, बनाकर वस्तुओं और सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए, ये थी जीएसटी लागू करने की मंशा। अब होता क्या था, देखो जीएसटी से पहले कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर देने होते थे लोगों को, पागल हो जाते थे लोग अप्रत्यक्ष कर दे देके। और अप्रत्यक्ष कर मैंने पहले ही बताया प्रगतिशील नहीं माना जाता, प्रगतिहीन माना जाता है। यही से एक एग्जाम्पल से और समझ लो कि मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, उस पे सर्विस टैक्स लगता है ना भाई। आप खाना खाने गए, मान लो किसी दिन एक बेचारा, किसी दिन मान लो सलमान खान या शाहरुख खान आ गया भाई खाना खाने रेस्टोरेंट में, उसे भी मान लो 10% फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स देना पड़ा। एक दिन किसी मजदूर की लॉटरी लग गई, उसने सोचा पहला काम तो हम रेस्टोरेंट में खाना खा के करेंगे, बहुत कमा लिया, मतलब बहुत काम कर लिया, देखें तो आखिर ये अमीर लोग खाते कैसे, क्या क्या टेस्ट होता है इनके खाने में। वो भी चला गया, मतलब लॉटरी भी ज्यादा बड़ी नहीं लगी थी, छोटी सी लगी थी फिर कहेंगे मैं वो भी अमीर हो जाएगा अब तो। मान लो एक गरीब आदमी भी किसी दिन चला गया रेस्टोरेंट में खाना खाने, यार उसको भी अधिकार है, जा सकता है कमा के, उस पे भी 10% टैक्स लगेगा। तो इसलिए इस अप्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं हम, अप्रगतिशील। अब होता क्या था, ये जो अप्रत्यक्ष कर था ये कितने तरीके का होता था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर उगाहियों को बहुत सारी वस्तुओं से, जैसे मान लो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता था, आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, जैसे ही फैक्ट्री से उत्पादन बाहर निकला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो जी, ठीक है जी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर हो गया। फिर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देना होता था, आपको इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि भाई कुछ केंद्रीय कर होते थे अप्रत्यक्ष,
जिसकी लिस्ट में आपको लगभग 7 कर है, लेकिन आपको 3-4 याद रखने हैं, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, सर्विस टैक्स था, ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क कहते हैं ये था, इसके अलावा अधिभार, ये कहां गया, सरचार्ज और सेस जो वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति से, ये थे। तो पहले ना केंद्र के स्तर पे इतने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगते थे, समझ रहे हो, सर्विस टैक्स भी दो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी दो, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी दो, आदमी पागल हो जाएगा कर दे दे के, समझ रहे हो। तो और राज्यों के स्तर पे भी बहुत सारे कर थे, जैसे राज्य मूल्य वर्धित टैक्स था जो बिक्री कर था, ये सेल्स टैक्स था, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स था, बिक्री कर था, ये सारे इकोनॉमिक्स के विषय हैं, कभी अगर मुझे मौका मिला इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को अच्छे से। तो इतने कर राज्यों को भी देने पड़ते थे, मनोरंजन कर और पता नहीं विलासिता कर, लॉटरी सट्टा जुआ, पता नहीं कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर देने पड़ते थे। मोटे तौर पे समझे आप कि भाई प्रत्यक्ष कर का क्या उद्देश्य होता है, अप्रत्यक्ष कर का क्या होता था, और जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था, सुगमता आए, जटिलता कम हो, और जितने ये 7-8 प्रकार के केंद्र टैक्स लगा रहा था, 7-8 प्रकार के राज्य, इन सब को हटा के हम जीएसटी ले आते हैं। बताओ फटाफट, इन सब को हटा के हम जीएसटी ले आते हैं। इसके अलावा संशोधन ने एक पॉइंट जो कल हमारा थोड़ा सा मिसटैप हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखना, इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 268A, अभी मैं बताऊंगी आपको 268A में क्या है, संघ सूची की प्रविष्टि 92C, ये याद रखनी जरूरत नहीं है बिल्कुल कौन सी प्रविष्टि, पागल नहीं होना है हमको, बस स्मार्ट वर्क करना है भाई। संघ सूची का एक विषय था, सेवा कर से संबंधित था, उसे निसरित कर दिया। अब सर्विस टैक्स भी किसका पार्ट है, जीएसटी का पार्ट है भाई, सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर है तो सर्विस टैक्स जीएसटी का पार्ट है। अब उपरोक्त दोनों संशोधन 80वां कर और राजस्व वितरण की वर्तमान स्थिति अब हम देखेंगे। मोटे तौर पे कल हमारा ये, मैं यहां पे आ गई थी, अब मुझे ये बता दो यहां से यहां तक जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सीन क्या था, पहले क्या होता था, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जीएसटी जुड़ा हुआ है अप्रत्यक्ष करों से, बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, उन सारे अप्रत्यक्ष करों के स्थान पे एक टैक्स लाने की बात की गई जीएसटी, और फिर मैं बताऊंगी इस जीएसटी को भी फिर आगे 3 भागों में बांटा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, और वीडियो को लाइक करते रहो यार, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वित्तीय संबंध मुझे आज खत्म करवाने हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं, देखो ये मैंने कल बता दिया था, ये आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं और कुछ में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। जैसे पहला 268 याद रखना है, केंद्र द्वारा उद्गृहित केंद्र लगाएगा और राज्यों द्वारा संग्रहित राज्य संग्रहण करेंगे टैक्सेस का और आपस में बांट लेंगे। राज्य केंद्र ने कर लगाया, राज्यों ने इकट्ठा किया और आपस में बांट लिया, ये आएगा 268 में। बस इतना याद रखना है, और बस ये याद रखना है, ये आता है स्टाम्प शुल्क। क्या आ जाता है, स्टाम्प शुल्क। आपसे कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछता है, ऑप्शनल पॉलिटी में तो पूछा करता था भाई स्टाम्प शुल्क किसका पार्ट है, कौन लगाता है स्टाम्प शुल्क। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र लगाता है जी, राज्य इकट्ठा करते हैं और आपस में बांट लेते हैं आर्टिकल 268 के तहत। उसके बाद ये जो था ना आर्टिकल 268A, केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित, केंद्र ने लगाया और केंद्र और राज्यों ने बटोरा, दोनों ने मिलके लगाया, केंद्र ने और राज्य ने और केंद्र ने मिलके उसको इकट्ठा किया और आपस में बांट लिया, केंद्र का केंद्र के पास, राज्य का राज्य के पास, आपस में बांट लिया, ये हो जाएगा सर्विस टैक्स। अब आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, जो ये मैंने यहां पे बताया ना, इस 268A के साथ ही इसको निसरित कर दिया गया जो सेवा कर से संबंधित था। ये बात समझे कि जो सर्विस टैक्स है अब किसका पार्ट हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का पार्ट हो गया है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि भाई ऐसे 268A में क्या प्रोविजन है, भाई केंद्र लगाएगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलके उसको इकट्ठा करेंगे और विनियोजित कर लेंगे। इसमें सर्विस टैक्स आता था, सर्विस टैक्स आता था। अब ये सर्विस टैक्स किसका पार्ट हो गया है? जीएसटी का पार्ट हो गया है। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जीएसटी में भी तीन डिवाइडेशन है। एक है सी जीएसटी, कहाँ पे लिखूं यार, एक है सी जीएसटी, एक है एस जीएसटी, सबको पता होगा, एक है आई जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन लगाएगा? नाम से ही स्पष्ट है, सेंटर लगाएगा। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट लगाएगा। और आईजीएसटी का मतलब है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केंद्र भी लगाएंगे और कुछ मामलों में राज्य भी लगाएंगे। जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम कभी फुर्सत से जीएसटी में आप लोगों को पढ़ाऊंगे, अभी के लिए मोटा मोटा समझ जाओ, हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको 268 समझ में आ गया, 268A समझ में आ गया। 269 में आपको क्या समझना है? 269 में बस आप इतना याद रखना कि भाई आर्टिकल 269 में क्या है, संघ द्वारा लगाया जाने वाला, इकट्ठा किया जाने वाला और राज्यों को दे देगा वो सारा का सारा पैसा, जाओ ऐश करो, समझ रहे हो। केंद्र लगाएगा, केंद्र इकट्ठा करेगा और राज्यों को बांट देगा। इसमें जैसे ये अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित बातें आती हैं, जो अंतरराज्य व्यापार का क्रय विक्रय हो रहा है उससे संबंधित इश्यूज आएंगे, समाचार पत्रों को छोड़ के। ये कई बार सीधा पूछ लेता है, इसको आप छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत नहीं। 268, 268A, 269 केंद्र लगाएगा, केंद्र इकट्ठा करेगा, राज्यों को दे देगा। 269A, ये चार पांच चीजें ही हैं जो क्लिष्ट हैं, आगे फिर सरल आ जाएगा। 269A क्या कहता है दोस्तों? वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान, अंतरराज्य जो व्यापार हो रहा है उस पे जीएसटी की उगाही, और इसके बीच में अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। क्या बोल रहा है? अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान जो आपूर्ति है उस पे जीएसटी की उगाही और संग्रहण कौन करता है? केंद्र करता है। लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों को उसी क्रम में बांट दिया जाता है जैसे जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा होती है संसद को। 269A में हमने क्या पढ़ा? अंतरराज्य, एक राज्य से मान लो महाराष्ट्र में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है और वो आता है यूपी में, तो अंतरराज्य व्यापार हो रहा है ना, तो 269 क्या कहता है? अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य पे जीएसटी की उगाही कैसे होगी? तो ये बोल रहा है जी, केंद्र फिक्स करेगा कितना टैक्स लगेगा, केंद्र संग्रहण करेगा और आपस में बांट लेंगे। कौन? केंद्र और राज्य। कैसे बांटेंगे? मान लो इसका भी तो सिद्धांत होना चाहिए ना, कैसे बांटेंगे भाई, कितना केंद्र को जाएगा कितना राज्य को जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, और ये जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पे संसद निर्धारित तो संसद करेगी, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? जीएसटी काउंसिल की, कि भाई ये जो अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य पे जो कर है ना, ये आपने वसूल लिया, इसका जो वितरण होगा इतना होना चाहिए कि भाई इतना परसेंट आप ले लो, इतना परसेंट आप ले। मुझे पता है थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पता है मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी यहाँ अगर क्लियर हुए आगे लाइन काट दो, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बस इतना पढ़ लो। 269 रिवाइज भी कराऊंगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 268, 268A, 269, 269A, 270 आपको क्या ध्यान रखना है? 270 में क्या आता है? बस इसमें ये सब इतना घुसने की जरूरत नहीं है, 268, 69 और 69A को छोड़ के पागल हो जाओगे, सही बता रही हूँ, वित्तीय संबंध है, पीटी पास करना है, बात खत्म भाई। सीधा सा सिर्फ ये याद रखना, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित, केंद्र लगाएगा, केंद्र संग्रहण करेगा तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांटेगा। केंद्र लगाएगा, केंद्र संग्रहित करेगा, केंद्र और राज्यों के बीच बांटेगा, आर्टिकल 270, ठीक है?
आगे 271 में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि अधिभार, सरचार्ज और सेस वगैरह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जीएसटी के तहत, लेकिन 271 में एक प्रोविजन किया गया है। यहां से देखिए बस जीएसटी, यहां पे देखिए जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जाता, लेकिन यदि जरूरत पड़ जाए राज्य केंद्र को लगाने की तो केंद्र लगा सकता है अपनी आवश्यकता। ये बोल रहा है ना, संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित, ये द्वितीय तृतीय श्रेणी याद रखने की जरूरत नहीं है, संसद किसी भी समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिभार लगा सकता है, अधिभार लगा सकता है। ये सीधे किसको प्राप्त होंगे अधिभार, सेंटर को प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। दो चीजें समझे, 271 में अधिभार का जिक्र है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों मतलब कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केंद्र लगा सकता है अधिभार। आपसे पूछेगा अधिभार कौन लगा सकता है वर्तमान व्यवस्था में, राज्य अधिभार लगा सकते हैं क्या? तो राज्य अधिभार नहीं लगा सकते, संसद ही अधिभार लगा सकती है कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो सीधे किसको प्राप्त होंगे, केंद्र को प्राप्त होंगे, राज्यों को प्राप्त नहीं होंगे और ये जीएसटी का भाग नहीं होते। बिल्कुल मनु, ये 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। देखो ये क्लिष्ट है, बस खत्म हो गया है। ये 5 ही चीजें हैं, इसमें आपको डाउट हो सकता है, बाकी तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं। सिर्फ ये आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर यहां से आ जाए, 270-71 कंप्लीट अधिभार से रिलेटेड, बस खत्म हमारा। उसके बाद एफ में आता है राज्यों द्वारा उद्गृहित संग्रहित और उपभोग, मतलब राज्यों द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कर हैं जो राज्य खुद लगाते हैं, खुद उनका संग्रहण करते हैं और खुद उनका उपभोग कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट आ जाता है राज्यों से संबंधित। इनकी संख्या 18 है, 18 की 18 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सरसरी निगाह से हम देख लेंगे कि भाई ऐसे कौन से कर हैं जो राज्य लगाते हैं, राज्य ही संग्रहित करते हैं और राज्य ही उपभोग कर लेते हैं। तो इनकी संख्या 18 है, हमें सारे नहीं याद रखने, लेकिन एक बार जैसे सरसरी, जैसे भू राजस्व पे कर है, कृषि आय पर कर है, कृषि भूमि पर सक्सेशन से संबंधित शुल्क है, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क है, सारे नहीं याद करने, एक बस हल्का फुल्का देख लेना, बिजली उपयोग के लिए कर है, हल्का फुल्का बस आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हो, और नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अब ये अनुदान कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जितना क्लिष्ट टॉपिक था बस इतना ही था। आप लोगों ने जो अपनी जिंदगी के 20 मिनट दिए हैं 10 बजे से लेके 10:22 तक, ये 20 मिनट ही क्लिष्ट थे, आगे आप बहुत सरल चीजें आ जाएंगी, ठीक है यार। इतना तो आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, 20 मिनट तो हम हार्ड चीजें पढ़ भी सकते हैं। अब इसको तो मैं मतलब, वैसे आप लोग जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं, मैं बहुत सरल बना के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए, लेकिन कुछ चीजें इतनी क्लिष्ट हैं कि उनको कितना सरल बनाएगा। लेकिन फिर भी ये बताओ, पढ़ लोगे? यहां तक दिक्कत है तो मुझे बता दो। थम्स अप, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार खुद से घर जाके पढ़ लेना। अब देखो, अब आ जाते हैं राज्यों के सहायतार्थ अनुदान। अनुदान का मतलब क्या भाई? अभी तक हमने क्या पढ़ा, केंद्र के पास पैसों का ज्यादा स्रोत है, केंद्र के पास ऑब्वियसली टैक्सेस की ज्यादा संभावना है और पैसे ज्यादा होते हैं, राज्यों के पास उतने स्रोत नहीं होते, होते भी हैं तो ये छोटे मोटे वाहन पर कर, पशुओं पे कर, पथ कर है, कृषि पर आय कर कौन देता है, कृषि पे आय कर, कृषि पे इनकम टैक्स कौन देता है, कितना भी बड़ा किसान हो नहीं देता। तो राज्यों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे राज्य, बताओ? अनुदान पे डिपेंड करेंगे। कौन अनुदान देगा? तो केंद्र देगा, अमेरिका तो देगा नहीं आके, समझ रहे हो, केंद्र देगा। तो दो आर्टिकल आपको इसमें याद रखने हैं, दोनों आर्टिकल पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। जुए पर कर है तो जुआ खेलने पर, याद है अभिषेक यार, कहां नजर चली जाती है आपकी, मेरे को तो कहां है जुए पर कर,
दिखा आप लोगों को, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है यार, लेकिन दाद देनी पड़ेगी नजर की, अगर दिख गया तो। गजब भाई, वैसे मुझे अभी तक नहीं दिखा। कोई बात नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहती हालांकि कोई नहीं, लेकिन दोस्त उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था होती है, ठीक है? यदि आप लाइसेंस, हाँ लास्ट में रंजेश एकदम रिवाइज कराऊंगी, टेंशन मत लो। प्रार्थना याचना करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? चलो आ जाओ, अनुदान पढ़ते हैं। देखो, अनुदान की जरूरत होती है राज्यों को, दो आर्टिकल बस याद करने, बहुत सरल है, कुछ नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र के सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो, राज्यों को केंद्र से अनुदान प्राप्त होंगे समय समय पे। ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं, ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विधिक अनुदान, ठीक है, एक होते हैं विवेकाधीन अनुदान। विधिक अनुदान किसके तहत आएंगे, कौन से अनुच्छेद में आएंगे, किसकी रिकमेंडेशन पे आएंगे, ये दो तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो, जो विधिक अनुदान होते हैं दोस्तों, सबसे पहले चीज याद रखना, आर्टिकल 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करती है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। पहली बात आपको समझ में आई कि अनुच्छेद 275 में विधिक अनुदानों का प्रावधान है और विधिक अनुदानों के तहत संसद को इस बात का अधिकार है कि वो राज्यों को समय समय पे आवश्यकता पड़ने पे अनुदान देगी। प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि प्रत्येक राज्य को ही अनुदान दिया जाए, समान तौर पे अनुदान दिया जाए, वो हर राज्य की सिचुएशन पे अलग अलग भी हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है ना। मान लो आप अनुदान दे रहे हो शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन से संबंधित, मान लो सेंटर अनुदान दे रहा है, तो भाई बिहार को ज्यादा देना पड़ेगा, यूपी को ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है। केरल को कम देना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अनुदान, क्योंकि केरल में एजुकेशन ऑलरेडी उन्नत है। इतनी बात तो समझ में आती है आप लोगों को। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भिन्न भिन्न हो सकती है, भाई बिहार के लिए अलग, केरल के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की, और ये जो विधिक अनुदान होता है ना, एक दूसरा पॉइंट यहाँ, सिर्फ दो विधिक अनुदान आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग जाएगा, संसद को अधिकार है, और ये जो विधिक अनुदान दिया जाता है संसद द्वारा, ये संचित निधि पे भारित होता है, ध्यान रखना, ये किस पे संचित निधि पे भारित होता है। पीटी का क्वेश्चन कि आर्टिकल 275 के तहत दिया गया विधिक अनुदान संचित निधि पर भारित नहीं होता है, आपसे पूछ लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से, ध्यान रख लेना, तो ये संचित निधि पे भारित होगा, ठीक है? और इसमें क्या ध्यान रखना है 275 वाले में, इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में, संविधान ने क्या किया है, राज्यों में जनजातियों के उत्थान के लिए, जिस राज्य में एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है, मान लो उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को दी है। समझ गए? यानी विधिक अनुदान में चार चीजें पढ़ी, आर्टिकल 275 संसद को अधिकार है, और ये जो अनुदान दिया जाता है ये संचित निधि पे भारित होता है। तीसरा, हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 275 के तहत जो अनुदान जाएगा वो विशिष्ट तौर पे जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों के उत्थान और कल्याण, जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासनिक विकास के लिए अलग से इस आर्टिकल 275 के तहत विधिक अनुदान का प्रोविजन किया गया है। संचित निधि, अश्विनी नए आए हो क्या? संसद वाले टॉपिक में जाके देखना दोस्त, ऐसे
संसद वाले टॉपिक में आपको संचित निधि को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, क्या है संचित निधि, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाएगा, किसका अधिकार होता है, आप प्लीज वहां देख लेना, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बताऊंगी ना, हम टॉपिक से घूम जाएंगे। इतनी मेहनत तो आप, मैं यकीन कर सकती हूँ कि अगर मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि भाई संसद वाले टॉपिक में आपको संचित निधि पे विशिष्ट चर्चा मिल जाएगी, तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात आपको इस 275 की ये याद रखनी है कि इसके अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य या विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। वित्त आयोग नाम की संस्था है हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत, इसको हम अलग से संवैधानिक, जब ये पढ़ेंगे ना संवैधानिक आयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम वित्त आयोग को अलग से भी पढ़ेंगे, तो इस वित्त आयोग की सिफारिश पे अनुदान दिए जाते हैं सामान्यतः है, सिफारिश पे, अनिवार्य नहीं होते मानने, ये हमको पता है कि भाई वित्त आयोग ने जो कह दिया वो संसद को मानना होगा, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सामान्यतः मान लिया जाता है, ठीक है। 275 आप लोगों से 3-4 चीजें ही पूछी जा सकती हैं, कोई दिक्कत किसी को, विधिक अनुदान 275, संचित निधि पे भारित, जनजातियों के कल्याण से संबंधित अलग व्यवस्था और वित्त आयोग की सलाह पर 275 की बात होती है। किसी भी बच्चे को यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या है, इसने इस चैनल पे ना एक पॉलिसी चेंज हुई है, आपको आपका टाइम शेड्यूल रखा गया है 1 आवर, 1 घंटे में आपको अपनी क्लास को समेटना है, अभी तक मुझे जो कहा गया है तो मुझे उस आदेश का पालन करना होगा। हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो या तो मैं विवेकाधीन अनुदान को फटाफट बता के एक साइड करूं। अभी देखो, हमारा वित्तीय संबंध कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे विधायी संबंध कंप्लीट हो गए, प्रशासनिक क्वेश्चन कराऊंगी, जो क्वेश्चन कल दिया था ना अभी कराऊंगी, विधायी प्रशासनिक वित्तीय, अब तो अनुदान बच गया, जीएसटी काउंसिल कल करवाऊंगी, वित्त आयोग के बारे में बताऊंगी, राज्यों के हितों का संरक्षण कहाँ होता है, केंद्र और राज्यों के जो ऋण होते हैं, छोटी मोटी बातें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की है, बहुत सारी चीजें छोड़ने की है, आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ेंगे वित्तीय संबंधों पे, वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे सुधार आयोगों पर, और इन सुधार आयोगों को, वैसे तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इनमें से छाटेंगे कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, और जब मेंस की बारी आएगी, मेंस पढ़ाने की बात आएगी, तो मैं डिटेल से, मान लो सरकारी आयोग ने 20-25 रिकमेंडेशन दिए, तो उस समय आपको अलग से सरकारी आयोग पढ़ा दूंगी, एक दिन पुंछी आयोग पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा जल्दी से इसलिए करेंगे कि हमारी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो, जैसे सरकारी आयोग की लगभग 20 रिकमेंडेशन है, पुंछी आयोग आ गया, तो इनको हम अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आपके पास ये फाइल पूरी रहेगी, आप खुद से भी पढ़ लेना, और जब मेंस का बात आएगी, मेंस की बात आएगी, तो फिर हम इसको अलग से देख लेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो? रिवाइज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिवाइज तो बहुत जरूरी है, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं जितना मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आती हूँ क्वेश्चन पे। वित्तीय संबंधों से शुरुआत की थी दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था भाग 12 के 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों का जिक्र है, इसमें मैंने आपको सेम बातें बताई कि भाई संघ सूची में जो कर से संबंधित मुद्दे हैं उस पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के जो मुद्दे हैं राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र से कर से संबंधित कोई विशिष्ट प्रविष्टियां नहीं थी, 101वें संशोधन द्वारा जीएसटी को ऐड किया, और अब जीएसटी पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सीजीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, और इंटर स्टेट जीएसटी होता है, और अवशिष्ट शक्तियां आपको पता है किसके पास है, नॉर्मल सिचुएशन में भी संसद के पास है, संघ के पास है, तो कर के संबंध में भी जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी, सिंपल सी बात है, किसी को इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, और थम्स अप देते रहना बीच बीच में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे संविधान में इस बात का विशिष्ट प्रोविजन है कि कौन कर लगाएगा, कौन वसूलेगा, कौन बांटेगा,
जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई इनकम टैक्स की जो उगाही है उसका जो एकत्रण है वो कौन करता है, केंद्र करता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच बांट देता है। अगली बात, ये सब मैंने कटवा दिया था, बिल्कुल नहीं पढ़ना आप लोगों को। अगली बात, मैंने जीएसटी को लागू करने की मंशा बताई कि भाई जो जितनी भी जटिलताएं थी भारी भरकम कर व्यवस्था की, उन जटिलताओं को सुगम बनाना था। यहीं पे मैंने आपको ये बताया प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष कर अप्रगतिशील होता है, गरीब पे भी उतना ही लगता है, अमीर पे भी उतना ही लगता है। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, सेंट्रल लेवल पे भी, राज्यों के स्तर पे भी। उसके बाद इन सब करों को एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से हम वसूलते हैं, तो सरल हो गया टैक्सेशन सिस्टम। इसमें आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस केंद्रीय उत्पाद शुल्क सर्विस टैक्स आपको याद रख लेना है सेंट्रल वाले में। फिर मैंने आपको बताया कि भाई 268 के साथ ही संघ की एक सूची थी उसको निसृत कर दिया गया जो सेवा कर से संबंधित थी, क्योंकि सर्विस टैक्स को हमने कहां पे जोड़ दिया, जीएसटी में जोड़ दिया। ये आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने 268 बताया आपको, भाई केंद्र लगाएगा, राज्य संग्रहित करेंगे और अपने पास रख लेंगे, 268 में इसमें आता है स्टाम्प शुल्क। दूसरा 268 जो पहले सर्विस टैक्स था, केंद्र लगाता है, केंद्र और राज्य मिलके इकट्ठा करते हैं और आपस में बांट लेते हैं, 268 एक सर्विस टैक्स से रिलेटेड था। 269 संघ लगाएगा, इकट्ठा करेगा, राज्यों को दे देगा, ये अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित कर होते हैं, केंद्र लगाएगा इकट्ठा करेगा राज्यों को दे देगा। 269 ए में वस्तु और सेवा, ये भी एक तरीके से जीएसटी, जो अंतरराज्यीय व्यापार पे जीएसटी लगती है ना, उससे संबंधित एक नया प्रोविजन जोड़ा गया 269 ए में। इसमें क्या होता है, केंद्र लगाता है, केंद्र ही बटोरता है और उसके बाद केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है। और ये केंद्र और राज्यों में किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी संसद को, उसके आधार पे, एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा दोस्ती। 270 में हमने देखा इसको, बस हमने इतना ही देखा कि भाई संघ लगाएगा, संघ वसूलेगा और केंद्र और राज्यों के बीच बांटेगा। और इतना भी ना, इतना रटने की भी जरूरत नहीं है, एक आध चीज जो जैसे 268 इंपॉर्टेंट है, 269 इंपॉर्टेंट है, 69 ए इंपॉर्टेंट है, 70 देख सकते हो। और फिर आगे तो हमारा 271 अधिभार आ गया, भाई अधिभार को खत्म कर दिया गया है, जीएसटी में शामिल नहीं होता सरचार्ज, लेकिन यदि केंद्र को लगता है कि कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाया जाए तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो अधिभार लगा सकती है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है और राज्यों को इसका हिस्सा भी नहीं मिलेगा। जो सरचार्ज लगता है ना, मान लो एजुकेशन पे लगा दिया, आपका एजुकेशन सरचार्ज लगा दिया मान लो 1% 2%, तो वो जो जितना भी पैसा आएगा वो सारा केंद्र के पास जाएगा, राज्यों के पास नहीं जाएगा। और ये जीएसटी जो है अधिभार से मुक्त है, जीएसटी पे सरचार्ज नहीं लगेगा। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भाई कुछ कर ऐसे होते हैं जो राज्य ही लगाता है, राज्य ही वसूलता है, अपने पास रख लेता है, सरसरी निगाह से देख लेना इसको, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताया। उसके बाद अनुदान बताए, अनुदान दो तरीके के होते हैं, विधिक और विवेकाधीन। विधिक में हमने देखा कि विधिक कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो भाई आर्टिकल 275 संचित निधि पे भारित होता है, संसद का अधिकार है, सब राज्यों को बराबर देना जरूरी नहीं है, हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो उसके अनुसार जनजातियों के कल्याण के लिए, और ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। अब मुझे ये बता दो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, हम आते हैं क्वेश्चन पे, और फटाफट मुझे बताओ क्वेश्चन किस किसने लिखा है, कल वाला है। देखो दो क्लास और मैं इस पे लूंगी, ज्यादा नहीं, बस हमारा मेन काम हो चुका है, दो क्लास और इस पे मैं ले लूंगी ना, तो हमारा बिल्कुल ये टॉपिक ऐसे हो जाएगा। एक बार ये दार्शनिक आधार करवा चुकी हूँ, दूसरा क्वेश्चन उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधान करवा चुकी हूँ, भाई कहाँ है, मौलिक कर्तव्यों की अहमियत करवा चुकी हूँ, कल का क्वेश्चन था ये, और कल का क्वेश्चन मैं जो रिसेंट पढ़ाई हूँ उसी से दी हूँ। मुझे ये बताओ फटाफट एक मिनट में, किस किस ने ये क्वेश्चन लिखा है, या मैं वैसे ही मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है यार, क्वेश्चन क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं है ना, आपको पूरा आंसर मिल रहा है, और जिस लिखा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
और यकीन मानो 3 महीने अगर कंटिन्यू एक ज्यादा जान थोड़ी ना ले रही हूँ आप लोगों की, एक क्वेश्चन दे रही हूँ लिखने के लिए, 20 मिनट तो दे ही सकते हो यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों के वितरण पर टिप्पणी करें। सबसे पहले हमें बताना है केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का वितरण है उस पर टिप्पणी करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ एनालिटिकल है नहीं, एक पार्ट ये हो जाएगा। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। यानी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी एनालिटिकल इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। जैसे संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भूमिका में हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे, पता होना चाहिए, सब पढ़ा चुकी हूँ, विधायी संबंधों की चर्चा है जी। विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्रों और वैधानिक विषयों दोनों के संबंध में किया जाता है। और इससे भी जरूरी आप ये लाइन लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान से 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। पता है हमको, हमने शुरुआत में भूमिका में ये बता दिया कि भाई भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विस्तृत तौर पर चर्चा की गई है। सामान्यतः केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों को 3 भागों में बांटा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा के हटी हूं केंद्र राज्य विधायी संबंध। फिर हमें सीधा सीधा बताना है भाई संघ सूची में क्या, तो संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में संसद को विधि निर्माण की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। भाई संसद कानून बनाती है। इन विषयों में सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व के विषय और वो विषय शामिल हैं जिनमें कानून की एक रूपता जरूरी होती है। उदाहरण दे सकते हो आप, जैसे जैसे रक्षा है, विदेश है, मुद्रा है, शेयर बाजार है, 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। एग्जाम्पल दोगे तो बढ़िया रहेगा, जैसे विदेश मामले हैं, रक्षा है, मुद्रा है, शेयर बाजार है, तो जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिन पे कानूनों की एक रूपता जरूरी होती है, वो मुद्दे आ जाएंगे संघ सूची में। उसके बाद राज्य राज्य सूची में राज्य विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पे विधि निर्माण करता है। हमें पता है भाई राज्य सूची पे कौन विधि निर्माण करता है, राज्य विधानसभा करता है। जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था, हेल्थ आदि से संबंधित इसके कुछ उदाहरण है, राज्य सूची के भी हमने कुछ उदाहरण दे दिए। अब अगला हम बताएंगे भाई समवर्ती सूची में क्या होता है, संसद भी कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में टकराव हो जाए, ये वे विषय आते हैं जिनपे, इनमें भी वो विषय आते हैं जिनमें कानून की एक रूपता जरूरी होती है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि वो मतलब ये जरूरी नहीं है लिखना, मतलब सिंपल सा आपको बता देना भाई समवर्ती सूची में संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी, लेकिन यदि दोनों में टकराव होता है तो संसद का कानून मान्य होता है, समझ गए। अगला है अवशिष्ट सूची। तो भारत में अवशिष्ट सूची ऐसे विषय जो अवशिष्ट सूची अभी भी बताया था मैंने, ऐसे विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। मान लो नए नए विषय जनरेट होते रहते हैं ना, जैसे मान लो आप ये इंटरनेट से संबंधित जो क्राइम बढ़ रहे हैं, नया विषय आ गया, या आप तकनीक से संबंधित हो, तो वो कहाँ आएंगे, वो अवशिष्ट विषयों में आएंगे। इन अवशिष्ट विषयों पे किसे कानून बनाने का अधिकार है, तो भाई संसद को है। यहां तक हमने बता दिया, यहां तक हमने बता दिया कि भाई विधायी विषयों के वितरण पे टिप्पणी कर दी, पहला पार्ट कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे कि संविधान में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, यहां पे ये भी मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में संघ सूची को राज्य सूची और समवर्ती सूची से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है, संघ सूची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर समवर्ती सूची। यदि मैं राज्य सूची और समवर्ती सूची में तुलना की बात करूं तो समवर्ती सूची को ज्यादा इंपॉर्टेंस है राज्य सूची से, तो ये लाइन हम लिख सकते हैं, प्रमुखता दी गई है। यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राज्य कानून पर केंद्रीय कानून प्रभावी होता है,
मतलब यदि दोनों में तनाव की स्थिति हो जाए तो यार केंद्रीय कानून ज्यादा मान्य होगा। इसलिए समवर्ती सूची और राज्य सूची में यदि हम अधिमान्यता की बात कहें तो हमारे संविधान ने समवर्ती सूची को ऊपर रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। संघ सूची राज्य सूची में संघ सूची ऊपर है, समवर्ती सूची राज्य सूची में समवर्ती सूची को अधिमान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि यदि केंद्र राज्य के बीच विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। हालांकि यदि राज्य द्वारा निर्मित कानून को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखे, ये मैं बता चुकी हूँ, पीटी का क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से, याद होगा जो जिन बच्चों ने विधायी संबंध सुने हैं। यदि राज्य द्वारा निर्मित कानून को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा गया है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। अगर मान लो यदि राज्य को कोई कानून बनाना है समवर्ती सूची पे और राज्य ने उस विषय को राष्ट्रपति के पास रखा है और राष्ट्रपति ने उस पे सहमति दे दी है, तो फिर ऐसे मामले में यदि केंद्र और राज्य के मामले में टकराव होगा ना तो फिर राज्य का कानून मान्य होगा। याद है ना, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब रिवीजन हो रहा है गौरव। अब आगे कुछ है ही नहीं, हमें पता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद विषयों पे कानून बना सकती है। पांच विषय हमको याद है, एक एक चीज याद करवाई है। आर्टिकल 249, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए थोड़ा फटाफट करा दूंगी। 249 में क्या है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा, उपस्थित और मतदान देने वालों के दो तिहाई से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पे कानून आवश्यक है कि कानून बनाए, तो कानून बना सकती है संसद। तो आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। आर्टिकल तक याद कराए हैं आप लोगों को। 250, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद क्या कर सकती है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पे कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249, 250। 252 याद करवाया था, दो या दो से अधिक राज्य कहें, एक या एक से अधिक राज्य कहे तो कानून बना सकती है क्या संसद, फटाफट बताओ। वहीं पे बताया था आप लोगों को, बताओ फटाफट। वेरी गुड, याद रखते हो तो इसका मतलब पढ़ रहे हो। साफ साफ बताया गया, एक या एक से अधिक राज्य कहे कानून बनाने के लिए तो नहीं बनाएगा, दो या दो से अधिक राज्यों की व्यवस्था है आर्टिकल 252 में। और इसको कैसे याद रखना है, दो या दो से अधिक राज्य कहें कि भाई संसद जी हमारे लिए राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बना दो, अनुरोध करें, तो संसद कानून बना सकती है। और ये भी बताया था ये कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा और इसमें संशोधन यदि करना होगा तो संसद ही करेगी। आर्टिकल 249, 250, 252, 253 में क्या था, अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों, सम्मेलनों के कुछ मुद्दों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। चौथा प्रोविजन है भाई, संसद कब राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। पीटी में भी पूछा था ये क्वेश्चन और मेंस में भी पूछ लिया, और ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना इनमें। और अगला है राष्ट्रपति शासन, भाई जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना, सीधा सा पूछा था, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण पर टिप्पणी कर दे, हमने टिप्पणी कर दी भाई, ये लो टिप्पणी, ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है, ये अवशिष्ट शक्तियां हैं। उसके बाद बताया किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है, और मैंने कुछ अलग नहीं बताया। ये देखो, आपको जो बच्चे रिवाइज नहीं करते ना उनको लगता होगा कि मैम ये कहां से पढ़ा रही है। इसके आर्टिकल तक मैंने लिखवाए हुए थे राष्ट्रपति शासन के दौरान, पांच। अच्छा, ये आ गया, ये देखो, ये पांच असाधारण शक्तियां हैं, पांच असाधारण शक्तियां मिली हुई हैं संसद को राज्य सूची, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे आर्टिकल 249, बाद में लिखे हुए हैं आर्टिकल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 250, राज्यों के अनुरोध पर जब दो या दो से राज्य अनुरोध कर दे 252, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए आर्टिकल 253, और राष्ट्रपति शासन के दौरान
पांच प्रोविजन बताए हुए हैं पहले, वही प्रोविजन हमें लिखने थे भाई, ऐसे कौन। और ये आईएएस के पीटी में पूछा गया है क्वेश्चन, पीटी में, कि वो कौन से प्रोविजन है जिसमें संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है। तो पांच विषय हैं जी, आर्टिकल भी याद होने चाहिए, 249, 250, 252, 253 और राष्ट्रपति शासन के दौरान। समझ में आ गया, टॉपिक मिल जाएगा आप लोगों को, लिखा करो यार, लिखा करो, लिखोगे तो बहुत आगे जाओगे, मैं बता रही हूँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैं बस एक मिनट और लूंगी आप लोगों का। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो नए बच्चे हमें देख रहे हैं दोस्तों, डेली मैं एक मीन्स का क्वेश्चन देती हूँ, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे वो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, डेली आपको लिखना है और नेक्स्ट डे मैं उसको विस्तार से आपको बता देती हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो बच्चा शुरू से लिख रहा है या जिसने नहीं लिखना शुरू किया है, आज से भी लिखेगा, वो 2-3 महीने में कहां पाएगा अपने आप को, ये उसे भी नहीं पता है अभी, समझ रहे। और जो लिख रहे होंगे उन्हें आभास होगा इस चीज का, कि जो पहले लिख नहीं पाते थे, पेन नहीं चलता था, अब वो समझ पा रहे होंगे कि अच्छा हमें लिखना कैसे है। एग्री हो मेरी इस बात से, ठीक है? तो ध्यान रखना, अनअकैडमी अंडरस्कोर ललिता अंडरस्कोर कुमारी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहीं पे सारी स्पेशल यूट्यूब प्लस हर क्लास का लिंक टाइमिंग सब मिल जाएगा। 30 जून लास्ट डेट है, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है जो, तो इस रेफरल कोड के साथ आएगा तो 10% डिस्काउंट, और आप मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन का मतलब है कि क्लास टाइमिंग को छोड़ के आप यदि कॉल करते हैं तो मैं प्रत्यक्ष तौर पे मैं ही कॉल उठाऊंगी, मैं ही उठाती हूँ भाई, और आप लोगों को गाइड करूंगी, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, आपके क्वेश्चन चेक करूंगी, ठीक है? तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है इस रेफरल कोड के साथ ले ले, मेरा रेफरल कोड है ललिता वाईटी, LALITA YT। बाकी टेलीग्राम आपको पता है, 11:45 से स्पेशल पे पॉलिटी के MCQ होंगे, तो ध्यान रखना इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ही ना उसका क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे 11:45 पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।